कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच में राजस्थान का सियासी संकट मानो और शोर मचाए हुए है। हर तरफ बस इसी संकट की चर्चा चल रही है। हर तरफ बात सिर्फ राजस्थान की हो रही है कि राजस्थान में क्या होगा, गहलोत का क्या होगा और उससे भी ज्यादा सचिन पायलट का क्या होगा। दोनों खेमों के बीच में जबरदस्त बहसबाजी चल रही है, एक दूसरे पर खूब छींटाकशी की जा रही है, लगातार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में एक दूसरे को घेरा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी चोट है। कहां कांग्रेस इतनी लंबी यात्रा निकालकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल मार्च कर जन जन के बीच में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही थी, और कहां ये राजस्थान का सियासी संकट किए कराए पर पानी फेर दे रहा है, जिससे आलाकमान नाराज है और पार्टी की इमेज अब और खराब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी के सभी सदस्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से राजस्थान कांग्रेस के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में कांग्रेस के सभी नेताओं को हिदायत दी गई है कि वो एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरीके की बयानबाजी ना करें। साथ ही एडवाइजरी में चेतावनी भी दी गई है कि अगर किसी भी कांग्रेस नेता की ओर से विवादास्पद बयान दिया गया तो वो पार्टी उसे अनुशासनहीनता मानते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। मतलब साफ है कि गुट बटे हुए हैं और ऐसे कि अब लगता नहीं कि दोनों गुटों के बीच में कोई समझौता होगा। लगता नहीं कि समझाने से समझने वाले हैं ये दोनों गुट। वजह ये भी है ना कि गुटबाजी से कांग्रेस में इनकार किया जाता है, दावा किया जाता है कि कोई गुटबाजी नहीं है। अब कांग्रेस में तो साफ साफ गुटबाजी देखने को मिल रही है, दोनों गुट बटे हुए दिख रहे हैं। उसके बाद भी कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीना ने कहा है कि कांग्रेस में किसी प्रकार का गुट नहीं है, हमारे नेता सोनिया और राहुल गांधी है। गद्दार वो है जो आलाकमान के खिलाफ जाते हैं। सचिन पायलट जनाधार वाले नेता है, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत मेहनत की थी। साल 2020 में पहले सरकार से नाराजगी के कारण दिल्ली गए थे, लेकिन इस सियासी संकट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला था। लेकिन अब शायद पायलट चुप नहीं बैठेंगे। सब उम्मीद लगाए हैं कि शायद इस बार भी पायलट हमेशा की तरह चुप बैठ जाएंगे, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी दोनों खेमों के बीच में देखने को मिल रही है उससे लगता नहीं कि यह संकट फिलहाल यहां खत्म होने वाला है, या फिर हमेशा की तरह इस बार भी पायलट संयम रखने वाले हैं। हालांकि आलाकमान का कहा कुछ जा नहीं सकता, क्या पता इस बार जब गहलोत से नाराजगी है तो पायलट को मौका दे दें, क्या पता पायलट को भी एक बार प्रदेश का सीएम बनाकर देख लें। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के दिग्गज और वरिष्ठ नेता गहलोत के लिए उनके हृदय पर आघात हो जाएगा। हालांकि पहले ही गहलोत जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, अपने किए की माफी भी मांग चुके हैं। आलाकमान फिलहाल दोनों तरफ से फंसा हुआ है, बल्कि तीनों तरफ से, क्योंकि अगर ये राजस्थान का मुद्दा जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया तो फिर जो ये यात्रा निकाल कर जन जन के मन में जगह बनाने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है, ये कोशिश धरी की धरी रह जानी है। अब ऐसे में कांग्रेस आलाकमान क्या बीच का रास्ता निकालेगा जिससे तीनों तरफ शांति का माहौल, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस आलाकमान इतना चतुर चालाक है कि इतनी जटिल समस्या का समाधान सही से निकाल पाएगा? क्या कांग्रेस पर आया ये बड़ा संकट टल जाएगा? आपको क्या लगता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। से मुलाकात करी और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से भाई सारी बातों को सुना और कार्यक्रम हुआ राजस्थान के जयपुर उस पर विस्तार से हमने चर्चा करी। और मैं मानता हूँ कि जो मेरे सेंटिमेंट्स थे, जो मेरी भावनाएं थी, जो मेरा फीडबैक था, उन्होंने इत्मीनान से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को बताया है। और हम सब यही चाहते हैं कि हम इसी तरह मेहनत कर कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीते, उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। और राजस्थान के संदर्भ में जो भी निर्णय या जो भी डिसीजन लेना है वो पार्टी लेंगी। सबका एक ही उद्देश्य है बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी के चुनाव को जीत को सुनिश्चित करें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत करके दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे।